हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे पजल का सेट नंबर 82। तो देखते हैं इस पे पजल का गिवन है। ओके सो ये आपके पास पजल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके सो इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, उससे हमसे बोला है कि 7 पर्सन वर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ईच वन ऑफ देम कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन किलोमीटर्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन किलोमीटर पर आर। ऑल द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस एंड स्पीड्स आर इन इंटीजर्स। टाइम टेकन बाय ईच वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम 3 hours, 5 hours, 6 hours, 8 hours एंड 20 hours। नॉट मोर देन 2% टेक्स द सेम टाइम। ओके ऑल डिस्टेंसेस आर इन मल्टीपल ऑफ 5 एंड लाइज बिटवीन 35 kilometers एंड 210 kilometers। ओके उस टाइम से बोला कि आपके पास टोटल पर्सन कितने, 7 पर्सन है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, फाइन। और सब ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है, कुछ स्पीड के साथ। मतलब क्या, 7 आपके पास डिस्टेंसेस होंगे और 7 आपके पास क्या होंगी, स्पीड्स होंगी, ठीक है। और इन्होंने ये डिस्टेंसेस कवर करे हैं इन टाइम में। यहाँ पर आपके पास टाइम कितने, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 आपके पास टाइम दिए हुए हैं, जिसमें से उसने क्या बोला कि कोई भी 2 पर्सन से ज़्यादा सेम टाइम को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास डिस्टेंसेस हैं वो 5 के मल्टीपल में हैं, ठीक है, और लाए करते हैं किसके बीच में, 35 किलोमीटर्स और 210 किलोमीटर्स के बीच में, ठीक है। ये आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, समझ में आई। अब इन्हीं सब पर बेस्ड उसने हमें यहाँ पर कंडीशंस दिए, तो एक काम करते हैं हम क्या कि कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ओके सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दो पहले पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ। हम जानते हैं टोटल आपके पास पर्सन कितने हैं, 7 है ना, तो 1 एंड 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 कंडीशंस को यहाँ पर लिखते हैं। देखिए उसने क्या बताया हमें कि पर्सन सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 20 hours। वो पर्सन जो कि डी के सेकंड टू द राइट है, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर करा है कुछ कितने आवर्स में, 20 hours में, फाइन। उसके बाद एफ इज सिटिंग 2 places अवे फ्रॉम सी। एफ कहाँ पर है, वो 2 places अवे है किससे, सी से, ठीक है। उसके बाद स्पीड विद विच ए कवर्स हिज डिस्टेंस इज ट्वाइस द स्पीड विद विच ई कवर्स हिज डिस्टेंस, ठीक है। जो स्पीड है किसकी, ए की, वो कितनी है, वो ट्वाइस है किससे, जो स्पीड है किसकी, ई की, ठीक है। उसके बाद एवरेज स्पीड ऑफ एफ एंड बी इज 15 kilometers per hour। जो एवरेज स्पीड है किसकी, एफ और बी की, ठीक है, इनकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी दी हुई है, 15 kilometers per hour, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए इज इक्वल टू इट्स टाइम टेकन टू कंप्लीट इज डिस्टेंस। ओके उसने बोला कि जितने नंबर ऑफ पर्सन ए के राइट में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इक्वल टू किसके, जितना इसको टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय ए, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय ई इज ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाय सी विच इज 50% मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय हु कवर्स हिज डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 5 kilometers per hour। उसने क्या बोला कि जो डिस्टेंस कवर करता है कौन, ई, वो ट्वाइस है किससे, जो डिस्टेंस कवर करता है कौन, सी, ठीक है, और वो किसके है, वो 50% ज़्यादा है किससे, जो डिस्टेंस कवर करता है डी, ठीक है, और जो सी डिस्टेंस कवर करता है वो 50% ज़्यादा है, मतलब 3/2 है किससे, जो डिस्टेंस कौन कवर करता है, डी, ठीक है। और डी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ डी दी हुई है 5 kilometers per hour, ठीक है। उसके बाद एफ हु कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 75 kilometers सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके एफ जो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 75 kilometers, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, एंड पर बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जीज स्पीड वॉज 10 kilometers per hour एंड ही वॉज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी। जी की स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ जी 10 kilometers per hour दी हुई है, ठीक है,
और वो कहाँ पर बैठा हुआ है, इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक है, जी कहाँ पर है, इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक। उसके बाद एफ इज़ द ओनली पर्सन हु टेक्स द लीस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस, ओके। उसने लगा कि एफ इकलौता ऐसा पर्सन है जिसको लीस्ट टाइम लगता है अपने डिस्टेंस को कवर करने में। मतलब क्या, एफ़ का जो टाइम होगा, जो टाइम लेगा एफ, वो कितना लेगा, अगर हम इसमें से लीस्ट की बात करें तो कितना है, 3 आवर्स है, ठीक है। उसके बाद जी इज़ नॉट सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ए हु कवर्स मोर देन 150 किलोमीटर्स। उसने बोला कि जी सेकेंड टू द राइट ऑफ ए नहीं है, ओके, सेकेंड टू द राइट ऑफ ए जी नहीं है, ठीक है, और ए ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, मोर देन 150, ठीक है। उसके बाद डी एंड जी टेक्स द सेम टाइम, ओके, जो टाइम लगता है किसको, डी को, वो इक्वल टू है जो टाइम लगता है किसको, जी को। उसके बाद डी डू नॉट सिट एट द एंड, ओके, डी किसी भी एंड पर नहीं बैठा हुआ है, फाइन। उसके बाद बोथ द पर्सन हु टेक्स 5 hours डू नॉट सिट टुगेदर, ओके, वो पर्सन जिनको 5 hours लगते हैं वो दोनों साथ में नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल इज 620, ओके, टोटल जो डिस्टेंस कवर होता है वो कितना होता है, 620 किलोमीटर्स, फाइन। सो इतनी क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब देखिए इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, उसने क्या बोला हमसे कि ए के राइट में जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो इक्वल टू है किसके, जितना टाइम ए को लगता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ आपके पास टाइमिंग क्या क्या है, देखिए 3 hours है, 5 hours है, 6 hours है, 8 hours है, 20 hours है। ए की टाइमिंग 20 hours तो हो नहीं सकती बिकॉज इसके राइट में 20% नहीं हो सकते, ए की टाइमिंग 8 hours नहीं हो सकती बिकॉज इसके राइट में 8% नहीं हो सकते, इसकी टाइमिंग क्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती बिकॉज 3 के लिए उसने क्या बोला था कि सिर्फ एफ को लीस्ट टाइम लगता है, ठीक है, तो वो कितना लगता होगा, 3 hours, 3 hours है आपके पास एफ के पास, इसका मतलब ए को भी नहीं लगेगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास 2 इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी, ए के राइट में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब ए यहाँ पर होगा, ठीक है, ये कितना टाइम ले रहा होगा, 5 hours, फाइन। और अगर ए यहाँ पर होगा ये कितना टाइम ले रहा होगा, 6 hours। देख लीजिए इसके राइट में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसकी ये दो पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एफ़ का, देखिए एफ़ आपके पास कितना ले रहा है, 75 किलोमीटर्स चल रहा है, 3 hours में चल रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी, 25 किलोमीटर्स पर आर होगी, ठीक है। और एफ़ आपका कहाँ पर है, वो एक एंड पर बैठा हुआ है, मतलब इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो एफ़ आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितना, 75, स्पीड कितनी, 25, और टाइम कितना ले रहा है, 3 hours, ठीक है। और अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए एक आपके पास एफ़ यहाँ पर आ सकता है, एक आपके पास एफ़ यहाँ पर आ सकता है। अगर इन केस मैं एफ़ को यहाँ पर लेता हूँ तो आप इस कंडीशन को देखिए, उसने कहा था एफ़ और सी के बीच में एक पर्सन है, मतलब कि सी आपके पास कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर सी के इमीडिएट राइट में आपके पास क्या जी है, इसका मतलब जी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। लेकिन उसने हमसे कहा था कि ए के सेकेंड टू द राइट आपके पास जी नहीं है, इसलिए एफ़ आपके पास यहाँ पर नहीं हो सकता, तो एफ़ कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। कितना डिस्टेंस चलता है, 75, स्पीड कितनी, 25, और कितना टाइम, 3, ठीक है। अगर मैं सी को पुट करना चाहूँ तो सी आएगा आपके पास यहाँ पर, फिर जी आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। जी की स्पीड कितनी है, अगर मैं यहाँ से देखें तो 10 किलोमीटर पर आवर, मैं बीच में जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो स्पीड लिख रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा, इसकी स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ। अब देखिए, अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, उसने कहा था कि जो एवरेज स्पीड है किसकी, एफ और बी की, वो इक्वल टू किसके, 15 किलोमीटर पर आवर के। मतलब क्या, ये 15 इक्वल टू किसके होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, एफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 75, ठीक है, प्लस जितना डिस्टेंस बी ने ट्रेवल करा, डिवाइडेड बाय टाइमिंग क्या है, एफ़ की टाइमिंग है 3 hours, प्लस जितना टाइम बी को लगा, यही तो होना चाहिए ना। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए, ये इसका जो टाइमिंग है वो क्या क्या हो सकता है, या तो वो कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटी चेक करूँ, अगर इन केस आपके पास यहाँ पर इसका टाइमिंग कितना है, अगर मैं टाइम लेता हूँ कितना, 5 hours,
इन दैट केस ये मिलकर कितना हो गया, 8 हो गया, 8 इंटू 15 मतलब कितना हो गया, 120 हो गया, ठीक है। उसमें से अगर मैं 75 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 45, मतलब डिस्टेंस कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 9 आवर्स, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं 6 लेता हूँ, इन दैट केस 6 + 3 आपके पास कितना हो गया, 9 हो गया, 9 इंटू 15 135 में से अगर मैं 75 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 60, मतलब क्या है इसका, 60 हो जाएगा। फिर इसकी स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 8 लेता हूँ, इन दैट केस ये कितना हो गया, 11 हो गया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कराऊँगा 165, उसमें से अगर 75 सब्सट्रैक्ट होगा तो 90 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ आपके पास जो स्पीड है वो पॉइंट्स में आएगी, इसलिए ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास या तो ये ऑप्शन होगा या फिर आपके पास ये ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी स्पीड कितनी है, देखिए 10 किलोमीटर पर आ रहे ना, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी जी की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आ रहे, ठीक है। और आपके पास जो स्पीड्स हैं वो क्या डिफरेंट है, इसलिए इसकी ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो मतलब क्या, बी की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी, ये वाली। मतलब अगर मैं बी की बात करूँ तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, 45, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी होगी, 9 किलोमीटर पर आवर, और उसको टाइम कितना लगा होगा, 5 आवर्स, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, देखिए, ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ इस वाली कंडीशन की, तो देखिए उसने बोला था कि ई ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो ट्वाइस है किससे, सी से। मतलब क्या, अगर मैं इसका रेशियो एक बनाना चाहता हूँ तो देखिए आपके पास ई इज टू सी, और फिर सी और डी का भी बीच में रिलेशन दिया हुआ है, इज टू डी। इसका क्या बन सकता है आपके पास, यहाँ पर ये 2:1 और ये कितना, 3:2, ठीक है। अगर मैं देखूँगा यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, मतलब क्या, रेशियो कितना होना, 6:3:2। ये आपके पास क्या, डिस्टेंस का रेशियो बना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ आपके पास इस डिस्टेंसेस की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखिए अगर मैं इसमें इंटू 5 कराता हूँ, क्योंकि आपके पास जो डिस्टेंसेज है वो क्या, 5 के मल्टीपल में, अगर मैं इसमें इंटू 5 कराता हूँ तो आपको ये कितना बनेगा, सिर्फ 10 बनेगा। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं, आपके पास जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, आपका डिस्टेंस किस किसके बीच में, 35 और 210 के बीच में, मतलब क्या वो डिस्टेंस कितना हो सकता है, या तो मिनिमम 40 होगा या फिर मैक्सिमम आपके पास 205 होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसमें, अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ किसका, 10 का, इन दैट केस ऑल्सो ये नहीं बन पाएगा, मुझे इसमें मल्टीप्लाई किसका करवाना पड़ेगा, 20 का। मतलब क्या, आपके पास ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 120, ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 60, और ये कितना बनेगा, 40। एक पॉसिबिलिटी, अगर मैं इसमें 25 का मल्टीप्लाई कराता हूँ, इन दैट केस ये कितना बनेगा, 50, ये 75, और ये कितना, 150। अगर मैं इंटू 30 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 180, ये 90 और ये 60, ठीक है। अगर मैं इसमें इंटू 35 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, लेकिन वो 210 हो नहीं सकता है, बिकॉज 210 से तो कम होगा ना डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, इसकी ये तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती है। इसमें भी अगर हम बात करें तो सी का डिस्टेंस 75 किलोमीटर नहीं हो सकता है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एफ का डिस्टेंस है, इसलिए इसकी ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज इनकी बन सकती है ना, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, ए की, तो देखिए ए की अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ, ए का डिस्टेंस कितना हो सकता है, उसने हमसे कहा था कि जो ए का डिस्टेंस है वो 150 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ की बात करता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, 160, ठीक है, 170, 180, 190 और 200, यही इसकी पांच पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक। अब अगर मैं कंसीडर करता हूँ इस वाली को, तो देखिए उसने कहा था कि जो स्पीड है ए की वो क्या है, वो ट्वाइस है किससे, ई से। तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना ले रहा है, ए 5 आवर्स, यहाँ पर कितना ले रहा है, 6 आवर्स। तो पहले मैं इसको कंसीडर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 6 आवर कंसीडर करता हूँ तो ये आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, 160 है। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो स्पीड आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, इसलिए ये आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी बात करता हूँ, ये आपके पास नहीं हो सकती। इसकी अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर स्पीड ऑफ ए कितनी आएगी, 30 किलोमीटर पर आर आएगी। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ई कितनी होगी, वो आपके पास होगी इसकी हाफ, 15 किलोमीटर पर आर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करता हूँ तो आपके पास ये डिवाइडेड बाय 6 नहीं हो सकता, ये कंडीशन नहीं होगी, ये डिवाइडेड बाय 6 नहीं हो सकता, ये कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब क्या है, इसके हिसाब से आपके पास सिर्फ यही पॉसिबिलिटी काम करेगी। और इस पॉसिबिलिटी में भी अगर मैं देखूँ आपके पास स्पीड कितनी है ई की, 15 है, इसका मतलब ये कितना टाइम ले सकता है, यहाँ पर आपके पास ई देखिए ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। अगर इसको मैं कंसीडर करता हूँ तो आपके पास कितना आएगा टाइम, 8 आवर्स आएगा, फाइन।
इसको मैं कंसीडर करता हूँ तो आपके पास कितना टाइम आएगा, ये आपके पास 12 आवर्स आएगा, ठीक है। लेकिन 12 आवर्स आपके पास यहाँ पर टाइम नहीं है, इसलिए ये इसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती इस कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डी की, तो डी का डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 40 होगा, और डी की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, इसके हिसाब से इसको भी कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। इन दोनों को 8 आवर्स लग गया, लेकिन उसने हमसे एक पॉइंट बोला था क्या, कि जितना टाइम डी को लगता है उतना ही टाइम जी को भी लगता है। इसका मतलब क्या है, ई डी और जी तीनों को सेम टाइम लगेगा, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि कोई भी 2 पर्सन से ज़्यादा सेम टाइम नहीं ले सकते, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं हो सकती। मतलब क्या, आपके पास ये कंडीशन पूरी तरीके से गलत होगी, बिकॉज हम यहाँ पर सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपको यही पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब मैं इसकी पॉसिबिलिटीज चेक करता हूँ, तब देखिए, ओके। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फिर से इसी को देखेंगे, स्पीड ऑफ ए की अगर मैं बात करता हूँ, इसके केस में आपके पास कितनी हो जाएगी, 32, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ ई आपके पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 16 से, ये नहीं जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 16 से, ये आपके पास नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 170 की बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। फिर से ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता आपके पास। अगर मैं 180 की बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर ये आपके पास 36 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। इसको तो डिवाइड नहीं करेगा, इस कंडीशन के हिसाब से आपके पास ये पॉसिबिलिटी काम करेगी, ठीक है। अगर ये पॉसिबिलिटी काम करेगी, इसके हिसाब से डी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। और डी की स्पीड कितनी है, 5 है, तो यहाँ से इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 तो आपके पास कोई भी टाइमिंग नहीं है ना, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ये आपके पास 19 हो जाएगा। किसी को डिवाइड नहीं कर पाएगा दोनों में से, इसलिए ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पास 40 हो जाएगा, ये आपके पास 20 हो जाएगा। 20 से अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये आपके पास कितना टाइम हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ, आपके पास कितना होगा, 9 आवर्स होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पर कोई टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 6 आवर्स आएगा। यही आपके पास एक पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। इसका मतलब क्या, अगर मैं ए की बात करूँ तो ए कितना डिस्टेंस लेगा आपके पास, वो लेगा 200 किलोमीटर्स, ठीक है। उसकी स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर्स पर आवर। और अगर मैं ई सी और डी की बात करता हूँ तो उनके डिस्टेंसेज ये होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए ये कितना जगह आपके पास, 200, ये 40, फाइन। यहाँ पर ये कितना जगह आपके पास, 60, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो मैं डी को कहाँ पर पुट करा सकता हूँ, देखिए डी आपके पास एंड में नहीं है, उससे हमसे ये चीज़ बोलिए, तो डी कहाँ हो सकता है, या तो डी यहाँ पर होगा या फिर डी यहाँ पर होगा। अगर इनकेस डी यहाँ पर होगा तो देखिए आपके पास, उसने कहा था कि डी के सेकेंड टू द राइट जो है वो कितने आवर्स लेता है, 20 आवर्स लेता है। इसका मतलब क्या है, आपके पास अगर मैं यहाँ पर पुट कराता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20 आवर्स हो जाएगा। अगर ये 20 आवर्स हो जाएगा, इन दैट केस जी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ए का डिस्टेंस हो गया 200, इसलिए डी आपके पास यहाँ पर आएगा। अगर डी यहाँ पर आएगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितना होगा, 20, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या क्या रह गया, आपके पास एक ई रह गया, ठीक है। ई का अगर मैं बात करता हूँ तो ई कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 120, ठीक है। और ई का टाइमिंग कितना है, 6 आवर्स, और इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप इसको कहाँ पर पुट करा सकते हैं, या तो यहाँ पर पुट कराएंगे या फिर यहाँ पर पुट कराएंगे। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो उससे हमसे एक पॉइंट बोला था कि वो 2 पर्सन जिसका टाइमिंग है 5 आवर्स है, वो दोनों साथ में नहीं है, तो आपके पास बी यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब बी आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 45, 9 और 5 आवर्स, ठीक है। फिर ई आपके पास यहीं पर आएगा, ये कितना आ जाएगा, 120, 20 एंड 6 आवर्स, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डी की, तो डी के केस में ये कितना है आपके पास, 40 है, स्पीड कितनी है इसकी, 5 किलोमीटर्स पर आवर, तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। अगर ये आपके पास 8 है, उसमें बोला था कि जितना टाइम टी को लगता है उतना ही टाइम जी को लगता है, मतलब क्या, ये भी कितना होगा, 8 होगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या बनेगी, इसकी फाइनल पजल बनेगी। आई होप आपको समझ में आएगा जिस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।